सीधी संसदीय क्षेत्र 11 से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल भाजपा प्रत्याशी राजेश मिश्रा पर भारी। सीधी लोकसभा क्षेत्र 11 से कांग्रेस पार्टी ने कमलेश्वर पटेल जो मध्य प्रदेश शासन पूर्व में मंत्री रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें आरटीआई न्यूज 24 की टीम ने सीधी संसदीय क्षेत्र 11 के विधानसभा सिहावल चुरहट सीधी में लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं की राय को जाना व समझा, जिसमें ज्यादातर मतदाताओं की राय कांग्रेस के पक्ष में प्राप्त हुई। वहीं जब मतदाताओं से सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है तो क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया। जनता व उस क्षेत्र की स्थानीय मतदाताओं ने कहा कि राजेश मिश्रा डॉक्टर जरूर है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन राजेश मिश्रा में ऐसे एक भी गुण नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सीधी सीट से राजेश मिश्रा को टिकट देकर गलत किया है। इस चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भाजपा प्रत्याशी समाज सेवी होने का ढोंग करते हैं, समाज सेवी के गुण उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सीधी लोकसभा सीट पर डेढ़ दशक से भाजपा का कब्जा। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद मिश्रा को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की थी। 2014 से दो बार लगातार इस सीट पर रीति पाठक सांसद चुनी गई हैं। इस बार सीधी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। क्षेत्र की जनता ने लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को प्रचंड समर्थन दिया, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटा गया। इस क्षेत्र से 3 बार सांसद होने के बावजूद भी सीधी सिंगरौली सड़क NH 39 का निर्माण नहीं हो सका, जिससे इस बार खासा नाराजगी भाजपा के प्रति जनता जाहिर कर रही है। NH 39 की 3 बार उद्घाटन हुआ और सड़क आज तक पूर्ण नहीं हो सकी और सड़क की जो राशि थी नेताओं में बंदर बांट हुई। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि जो सड़क निर्माण की राशि थी डकार ली गई है और सड़क खंडहर में तब्दील है। सिंगरौली औद्योगिक व ऊर्जा धानी के नाम से प्रसिद्ध है। सिंगरौली में तमाम कंपनियां स्थापित हैं, उनमें भाजपा के सांसद युवाओं को रोजगार देने में सफल नहीं रहे, जिससे युवा बिल्कुल परेशान बेरोजगार घूम रहा है। जो स्थानीय कंपनियां हैं भाजपा के एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपए लेकर लोगों को रोजगार दिलाया जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा के सांसदों का विकास आपको बता दूं, सिंगरौली की जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, सांसद बनने के बाद सिंगरौली में जो DMF फंड की राशि खर्च होनी थी उसे प्रदेश के तमाम जिलों में मनमानी तरीके से सांसदों ने खर्च किया, जिससे सिंगरौली का विकास नहीं हो सका। अब भाजपा इन्हीं सवालों से बस्ती नजर आ रही है कि कहीं चुनाव प्रचार के दौरान इन मुद्दे पर जनता हमसे सवाल न खड़े करे। विधानसभा में अपने ही किए गए वादे पर मुकर गई भाजपा। आपको बता दें जिस तरह से विधानसभा के ठीक चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था यदि हम पुनः सत्ता में वापसी करते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करूंगा, लाडली बहनों की जो राशि है 3,000 रुपए तक करूंगा, किसानों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए भाजपा ने कहा 2700 रुपए में गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की तरह सिर्फ झूठा वादा किया और आज अपने ही किए हुए वादे को पूर्ण नहीं कर पा रही है, जिससे सीधी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं में सरकार व भाजपा के प्रति खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। आरटीआई न्यूज 24 के लिए सीधी से पारसनाथ प्रजापति की रिपोर्ट। क्या माहौल है इस बार सीधी में, किसकी बन रही है सरकार? यहाँ का जो माहौल है इस वक्त कांग्रेस आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी पालीमपुर से विजयी हुए 102 लाख वोट से, और भाजपा का जो प्रत्याशी है उसका जो कृत्य है काम है वो अच्छा नहीं है, बहुत खसोट मचाते हैं। वो तो डॉक्टर है, उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि मैंने हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा है। सरकारी गोलियां तक इन्होंने बेच ली है और मतलब खजाने कितने स्त्री का पेट फाड़ करके बच्चा पैदा किए है और ऑपरेशन करके पैसा वसूले है और एक टेबलेट तक फ्री में नहीं दिए है। हाँ, यही उनका कीर्ति है। सिलेंडर 750 में आपको मिलता होगा? सिलेंडर यहाँ 1,000 रुपए में मिलता है, 1,000 में मिलता है, 750 में नहीं मिलता है, झूठ है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आप आ रहे हैं, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी विधानसभा में इस बात को वादा किया था आप लोगों से, किया था कि नहीं किया था कि हम सत्ता में वापसी करते हैं तो 450 में सिलेंडर देंगे? 950 अच्छा, आप इसके अलावा कितनी भूमि होगी आपके पास?
कितनी भूमि होगी, जमीन कितनी है आपके पास, किसान भी हैं आप? जी 10 एकड़ के किसान। अच्छा 10 एकड़, तो अभी इसके पहले विधानसभा में उन्होंने वादा किया था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, 2700 रुपए में गेहूँ, आप दिख ली सके इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आप? कुछ नहीं, वही सब पुराने रेट में ले रहे हैं सर। मेरी यही पास में खेत है, मेरा पूरे 300-400 मवेशियों ने मिल करके मेरी 10 एकड़। अच्छा ये जो आवारा पशु है, आवारा पशु है, विधायक के द्वारा बोला गया कि हर ग्राम पंचायत में, विश्वामित्र पाठक के द्वारा बोला गया था कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर अपना बाड़ा बनवाएंगे, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया। क्या नाम है आपका? इस बार लोकसभा में क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार बन पाए? माहौल अच्छा है, कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है। तो किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को आप चुन रहे हैं, क्या आशाएं कांग्रेस से आप रखते हैं? कांग्रेस आएगी तो रोजगार मिलेगा जी, और बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होगा जी। क्या नाम है आपका? नागेंद्र प्रताप सिंह नाम है मेरा जी। अब लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी जी, इसीलिए हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 5 जो गारंटी राहुल गांधी ने दी है जी, वो 5 गारंटियां लग रहा है कि इस बार अगर सत्ता वापस होती है जी, लोगों को होगा। यूपीए सरकार में उन्होंने 5 किलो राशन की गारंटी दी थी, जो संविधान में पारित करके, लोकसभा में पारित करके अभी वो चल रहा है, नहीं तो ये लोग खत्म कर दिए होते भाजपा सरकार जी। तो 5 किलो की गारंटी है, इसी तरह से ये 5 गारंटियां कांग्रेस की इस बार मैनिफेस्टो में जो है वो, मैंने नौकरी की गारंटी है, महिलाओं को हर परिवार में 1 लाख रुपए की गारंटी है, ये चीजें जो है लोगों के पास जब पैसा आएगा तब इनकम बढ़ेगी, सोर्स बढ़ेगा, तब अर्थव्यवस्था देश की अच्छी होगी। और गारंटी देने वाले तो गारंटी बांट रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी के अंदर शामिल करा रहे हैं, गारंटी बांट कर। कैसे कैसे भ्रष्टाचारियों को? भ्रष्टाचारी जैसे मान लीजिए एविएशन मिनिस्टर हो गए, उनके ऊपर ईडीसीबीआई चल रही थी, छोड़ करके 40 विधायक लेके चले गए महाराष्ट्र में, चले गए 40 विधायक लेकर के उनको मुख्यमंत्री बना दिया शरद पवार। एक ट्रोलर बांड जो आ रहा है, तो चंदा तो आप ले रहे हो 1 करोड़ रुपए का, दूसरे नेताओं को जेल में डाल रहे हो, आपके पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं डर के मारे। बिल्कुल, तो डर जो है, डर का माहौल क्रिएट करके, मीडिया में माहौल क्रिएट करके कि 400 पार मोदी गारंटी है, मोदी ऐसा करता है, ये अंगुली दिखा करके पूरे देश में माहौल बना रहे हैं। जनता अब इनकी 400 पार का क्या फंडामेंट? 400 पार डीजल पेट्रोल महंगाई आएगा 400 पार। अच्छा, ये सीट जो 400 पार की नारा दे रहे हैं, ये महंगाई 400 पार जाएगी, हर सामान महंगा होता जाएगा। जैसे किसान ये बता रहे हैं सब गेहूं खेत मैंने चर गए मवेशी, इनके 10 एकड़ की फसल, यही आप चलिए मीडिया हम दिखाते हैं, पूरे मवेशी अभी चल रहे हैं, 50 से 60 मवेशी हैं इन्होंने, क्योंकि बाड़ा लगाया था, रूंधा था, जब पैदा ही नहीं होगा मवेशी चर जाएंगे तो सामान 400 पार होगा, जितने सामान आप देश के अंदर खरीदे 400 पार होगा, ये इनकी गारंटी। अच्छा, इस क्षेत्र का क्या इस बार आपकी विचारधारा है, कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को? देखिए यहाँ की विचारधारा देखिए, हम लोग क्षेत्र में जब जाते हैं, क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं, खंभे में भी वो केबल नहीं है, पोल नहीं है, मैंने लोग बांस गाड़ गाड़ के उसमें अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। क्षेत्र में आप जाइए, जनता ने तो आपको चुना है, जनपद सदस्य, जनपद सदस्य के पास क्या बजट होती है, क्या कर सकते अपनी बात हम अपने अपनी हमने प्रशासन के पास रखा, अब तो विधायक है भाजपा के, सरकार प्रदेश में भाजपा की, केंद्र में भाजपा की, अब जब ये बताइए कि जिले में हैंडपंप की पाइप नहीं थी, इतनी छोटी सी बात है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के समय पर अगर हैंडपंप सूखे हैं और वो हैंडपंप की रिपेयरिंग नहीं हो रही है तो चुनाव के बाद क्या बनी है टंकी, वो सूखा पानी, 1 करोड़ का नल जल योजना करा दी है यहाँ पे माननीय मोदी जी, टोटी और पानी नहीं निकल रहा है, सरकार बनाएंगे राजनीति नहीं रहेगी, सब पर विपक्ष नहीं रहेगा तो सब पर रहेगा। क्या नाम है आपका? अर्जुन पटेल। क्या कहना चाहेंगे इस बार लोकसभा को लेकर के? भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक को टिकट दिया है और कांग्रेस ने कमलेश्वर पटेल को, इनमें से दोनों में से कौन से प्रत्याशी आपको पसंद लगते हैं, किनके पक्ष में मतदान करेंगे? उन्हीं सब मैं दोनों को बता दूं, डॉक्टर राजेश मिश्रा एक व्यवसायी है, हमेशा अपनी ऑपरेशन होगा और सरकारी हॉस्पिटल उन्हीं की हॉस्पिटल की वजह से पूरी तरह से ठप हो गई है। और जो कमलेश्वर पटेल की बात कर रहे हैं, वो जमीनी स्तर के नेता हैं, गरीबों के सुख दुख के साथी हैं,
हमेशा किसी के घर अगर दुख पड़ा उनके घर पहुंचते हैं। राजेश मिश्रा आज तक बता दे कितने दिन से बीजेपी में है, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, किसी एक गरीब के घर गए हो अपनी हॉस्पिटल छोड़ के तो आज तक बता दे। आप देख लीजिए बीजेपी पार्टी में 66,000 करोड़ इलेक्ट्रो चंदा इकट्ठा हुआ, अब पुलवामा जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान से भी चंदा आया। तो ये सरासर बीजेपी शासनकाल में देश के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं लोग। और रही बात सीधी विधानसभा की, तो सीधी से माननीय कुलेश्वर पटेल जी इस बार विजयी होंगे, मतलब वो चुनाव जीते। आपके माध्यम से मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे सीधी जिले के सांसद को तो उन्होंने विधानसभा का सदस्य बना दिया, बिल्कुल है ना, तो उनको सांसद की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है लेकर के क्या कहेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह से नष्ट है, खत्म है। हॉस्पिटल के नाम पर बिल्डिंग है, डॉक्टर है नहीं, स्टाफ है नहीं, और लोग जाए तो जाए कहाँ, मजबूरी में वही एक मिश्रा नर्सिंग होम है जहाँ 5,000 की जगह 50,000 लगता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो डॉक्टर साहब बता दीजिए मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनका नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो 50,000-60,000 रुपए उसके ले लिए जाते हैं। 500 रुपए के लिए छुट्टी नहीं दी जाती भाई साहब, हमारे ही गांव के 2-4 लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को छुट्टी नहीं मिली है, उन्हीं का सहयोग नहीं करते। क्या नाम है आपका? कमलेश पटेल। कमलेश पटेल है, क्या कहना चाहेंगे भाई? हम ये कहना चाहेंगे कि ये देश और संविधान बचाने के लिए चुनाव, जिस प्रकार से सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसके खिलाफ जनता में बड़ी नाराजगी और सरकार के खिलाफ। ये लोग बोलते हैं मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी तो फेल हो चुकी है। अभी विधानसभा के चुनाव में मोदी जी ने गारंटी दिया था कि हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे, मिलता होगा किसी भी महिला को 450 में अगर सिलेंडर मिलता हो, मेरी चुनौती है किसी महिला के, लोग तो कह रहे हैं हम 450 में, मेरी चुनौती अगर किसी महिला को 450 में सिलेंडर देते अगर देते हो तो। और उन्होंने अभी भी गारंटी दी थी कि हम जो है तक धान 3100 रुपए में खरीदेंगे, गेहूँ 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन बताइए किसानों के लिए अभी जो नई एमएसपी जारी हुई है 2275 रुपए में जो है गेहूँ खरीदा जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। तो मोदी की गारंटी तो बिल्कुल फेल हो चुकी है, वही बात प्रत्याशी, तो ऐसे प्रत्याशी हमारे बीच में चुनाव में भाजपा उतारी है। अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था कि बीजेपी में उपेक्षा होती है, और फिर पैसा देकर टिकट लाए और अब जो है तो जनता के सामने आए, उनका पूरा काला चिट्ठा जनता जान रही है। इस प्रकार से हमारे गांव के ही एक सम्मानित व्यक्ति थे, वहाँ दवाई करवाने गए तो उनसे आयुष्मान कार्ड से भी 2.5 लाख रुपए निकाल ले गए और उनसे भी नगद पैसा ले लिया गया। फोन जब वहाँ आया आयुष्मान कार्ड की बातचीत, फिर उन्होंने कहा हम माफी मांगे। तो ये तो भाजपा है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, भगवान राम के नाम पर ये वोट मांग रही है, राजनीति कर रही है। कुछ ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बताइए अभी तो आप और हम पूरा लोग जान रहे थे भगवान राम सबको लाए हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु हर प्राणी में भगवान राम का वास है, और लेकिन ये कहते हम लाए हैं, सोचे कितने शर्म की बात है, कोई जो भगवान राम को ला सकता है? भाजपा के लोग तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा तो ये बताइए कि कांग्रेस की जो सरकार थी, राजीव गांधी जी ने उस बाबरी मस्जिद में जाके वहां ताला खुलवाने का काम किया था, और जो है तो आपका शिव मंदिर जो बनवाए थे, तो ये मत कहे कि जो है तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो ये कानूनी मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको हर वर्ग मानने को तैयार है, सब लोग उनका स्वागत किए, और फिर ये कैसे प्राण प्रतिष्ठा, आधे अधूरे मंदिर का कोई प्राण प्रतिष्ठा होता है क्या? कितने जो है अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सारे हमारे वेदाचार्य जो है शंकराचार्य जिसको हिंदू धर्म में सबसे बड़ी उपाधि मानी जाती है, उन्होंने उनका खुलकर विरोध किया। आपको लगता है इस बार जो है कांग्रेस को वापसी करेगी? इस बार कांग्रेस 2006 का चुनाव और 2008 का चुनाव यहाँ दोहराएगी, जिस प्रकार मानिक सिंह जी यहाँ से चुनाव जीते थे वही फिर। क्या नाम है आपका? कुमार गुप्ता। क्या लगता है आपको इस बार सीधी लोकसभा से कौन चुनाव? चुनाव होने के बाद ही बता सकते क्या माहौल, क्या लगता है आपको? दोनों का बराबर क्या बताए, आपका पक्ष क्या है 19 अप्रैल को मतदान की धरती आने वाले समय बताएगा, मतदान तो आपको करना है ना? क्या नाम है? अंसारी। क्या लगता है कैसे इस चुनाव का निर्धारण होगा? कमलेश्वर पटेल जीतेंगे चुनाव, और क्या है जो बीजेपी क्या राजनीति है, दोहरी राजनीति, जो पड़ोसी राजनीति है वो किसी धर्म जात को लेकर क्रिकेट टारगेट बनाते हैं, तो कमलेश्वर पटेल कांग्रेस ऐसा है ना पार्टी है सभी को नीति नीति रीति लेके चलना है, जैसे हमने पहले ही बुक में वो कहा जाता है कि हम सब एक है, तो हम सब एक है, हम उनसे हिंदू होता है मुस्लिम होता है, भारत की दो आंखी है, अगर एक आंखी को उसको बंद किया जाए एक आंखी बचेगी उसमें कमजोर पड़ जाएगी।
अगर हमारे पास दो लाठी है, हम दोनों हाथ में लाठी लिए रहेंगे, एक हाथ हमारे कोई एक हाथ तोड़ देगा तो एक हाथ हमारा बहुत मजबूत ना पड़ेगा, कम पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत तरीके से इस बार आ रही है और चुनाव जीत रही है। इस बार आप देखते हैं कि बदलाव होगा। हाँ। सीधी लोक से क्या नाम भाई साहब, क्या कहेंगे? यहाँ सीधी में हम भी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, चुनाव जीते। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार लोकसभा सीधी से कौन भारी पर रहे, मिश्रा जी या पटेल जी? पटेल जी, कमलेश्वर पटेल जी एक लोकप्रिय नेता है और जमीनी हित के नेता है, सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले नेता है, सुख दुख के साथी है, इसलिए कमलेश्वर पटेल अच्छे प्रत्याशी। क्या लगता है आप इस बार चुनाव जीत पाएंगे? वो चूंकि इसके इसके पहले तीन बार लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखी थी। हाँ, चुनाव जीत पाएंगे अगर मतलब ईवीएम में खेला नहीं होगा तो चुनाव 100% जी। कांग्रेस वाले तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि ईवीएम तो कांग्रेस ने लाई थी। नहीं, ईवीएम कांग्रेस ने लाई थी, लेकिन आज बड़े बड़े मतलब जैसे मान लीजिए संस्थान जैसे हैं वहाँ पर छापा मरवा के अगर मान लीजिए अरेस्ट कर लेते हैं तो भाई ईवीएम के यहाँ डिपार्टमेंट तो इसमें भी करवा सकते हैं ना वो। कांग्रेस ईवीएम लाया जरूर, लेकिन उसका दोहन और लोगों ने बेईमानी। क्या लगता है आपको इस बार कमलेश्वर पटेल क्या लगता है? कमलेश्वर पटेल किन मुद्दों को कांग्रेस इसके पहले तीन बार जो है कि और सांसद इस क्षेत्र से लगातार भाजपा की जमीन, आपको क्या लगता है किस तरह है, कैसे आप लोग परिवर्तन इस बार देखते हैं कि कैसे परिवर्तन होगा? पूरे देश में सरकार तानाशाही का सरकार बन चुकी है, हर लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन जब तक भाजपा रहेगी तब तक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसा हमारा मानना है, पूरे देशवासियों को मानना है। कौन सा विधानसभा है ये? आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस बार इस चुनाव को किस नजर से देखते हैं? ये परिवर्तन का चुनाव है और हमारे कर्तव्य भी है कि जब कोई भी व्यक्ति लगातार सत्ता में बना रहे तो उसे बाहर भी करना हमारा ही कर्तव्य। आज 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद बना हुआ था, आप देख ही रहे हैं विकास के नाम पे, रेल के नाम पे उन्होंने 15 साल से लोगों को चुतिया बनाया है। रेल का मुआवजा अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है। मैडम फोटो बस खिंचवाती रही, फोटो खिंचवा के सीधी सीधी आपको सीधी विधानसभा से विधायक बन चुकी है। अब इस बार नए प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर राजेश मिश्र जी भाजपा के प्रत्याशी है, जिनको आप भी जानते हैं, जो उनके अस्पताल में एक बार भाजपा के नेताओं का जरूर आज है ताकि किसी का विश्वास बिजनेसमैन को ही टिकट मिलना चाहिए। आगे बताइए के बिजनेसमैन को ही टिकट सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्षमता होगी तो आपको भी मिलेगा। एक बात, हमारे महोदय जी का कहना है क्षमता, बीजेपी क्षमता देखती है। अब सोचिए ये बात होती है, एक सेवक होता है, राजनीतिक व्यक्ति एक सेवक होता है, जो सेवक का अपने आप फीलिंग रखता है वो राजनीति कर सकता है। क्षमता की क्षमता नहीं है इसमें, गुंडाई दमंगई है, क्षमता की बात नहीं होती है। मतलब क्षमता वाले हैं तो हवा हमारे भीतर वाला है, वो क्षमता के व्यक्ति है, ये बात क्षमता की है, अपने मनमानी देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।